हे फ्रेंड व्हाट्सअप वेलकम बैक। सो दोस्तों कैसे हो आप सब, मुझे बताया बढ़िया होंगे। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप किसी भी ऐप या फिर किसी भी फाइल में जो आपके ऐप लॉक लगा हुआ है या फिर कोई भी ऐप जिसमें आपने लॉक लगा रखा है मतलब दूसरे बंदे ने, उसको आप कैसे अनलॉक कर सकते हो और उसकी फाइल्स पर्सनल फाइल्स वगैरह देख सकते हो दोस्तों। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको खाली उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो को लेकर शुरू से आखिर तक देखते रहना और एक भी स्टेप मिस मत करना क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट के लिए है। सो दोस्तों एक भी स्टेप मिस मत करना और पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो है कि ऑलमोस्ट लोग है ना ऐप लॉक तो लगा लेते हैं लेकिन है ना गूगल क्रोम वाला ऐप लॉक लगाना भूल जाते हैं 99% लोग। सो हमको पहले YouTube पे जाना है और सर्च करना है फाइल जो मैंने आपको ऊपर सर्च करा है वो आपको सर्च करना है YouTube पे जाके। उसके बाद आप किसी भी फाइल को खोलोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने व्हाट्सएप फाइल को खोला, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे करा शेयर डॉक्यूमेंट्स मैंने खोले तो यहाँ पे मैंने उस बंदे की जिसने भी जितनी भी उन्हें शेयर करी हुई फाइल वो सब आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप उनको एक एक करके देख सकते हैं उसने क्या क्या शेयर करा है। सो एक तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि भाई आप कुछ भी देख सकते हैं जो भी शेयर करा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी शेयर करा था मेरे मोबाइल में वो सब आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट्सएप में मैंने क्या क्या करा था। तो उसके बाद यहाँ पे और भी थोड़ी बहुत ट्रैश मीडिया वगैरह सो आप एक एक करके सब देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो पर लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ये सब नहीं दिखा रहा हूँ। सो और यहाँ पे दूसरी चीज़ पे आते हैं हमारे आप देख लीजिए पूरा, मैं आपको पूरा व्हाट्सएप की डिटेल बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे को बोलो कमेंट भाई ऐसा तो हो ही नहीं रहा, वो नहीं हो रहा। सो अभी यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल खोली है और इसमें म्यूजिक की है शायद ये, हाँ ये म्यूजिक की फाइल है और मैंने यहाँ पे म्यूजिक की फाइल खोली है। आप म्यूजिक सुन सकते हैं कितना बढ़िया बज रहा था। हमारे सारे के सारे ऐसे फोल्डर वगैरह जो हैं मतलब हमने इतना फोल्डर बना रखा है तो आप अगर सारी चीज़ें चुन सकते हो। सो मैं एक एक करके आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे ये सब हो रहा है। वो ऑलमोस्ट लोग है ना लगा देते हैं और वो समझते हैं कि हम सिक्योर हो गए वो हो गए तो अब ऐसे कुछ नहीं होता। वो जो गूगल क्रोम वाला लॉक लगाना भूल जाता है 99% लोग दोस्तों ऐसे होते हैं। सो आप ऑलमोस्ट लोगों के फ़ोन में देख सकते हो ऐसे करके वो ऐप डाउन लगा देते हैं और खाली वो लगा देते हैं कोई फाइल लॉक तो समझते हैं कि हम सिक्योर हो गए अब हमारी फ़ोटोज़ कोई नहीं देख सकता लेकिन गूगल क्रोम वाला लॉक लगाना भूल जाते दोस्तों। सो भाई ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, अगर आपको पता नहीं हो तो आपको पता चल गया होगा, कई लोगों को पता है कई लोगों को नहीं पता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे एक एक करके सारे सबका अपने दोस्तों की फोटो या वीडियो देख सकते हैं कि भाई क्या क्या शेयर वो करता है और पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों क्योंकि उसका बेटा क्या कर रहा है मोबाइल में। तो दोस्तों बस आज के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना।